अस्सलाम वालेकुम। नेजल पॉलीप हमारी नाक में बनने वाली आउट्स ग्रोथ होती हैं, जो बाद में ज़्यादा ग्रो करने पर हमारी नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देती है और फिर हमें नाक के ज़रिए सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है। हमारी नाक में मौजूद स्पेस को नेजल कैविटी कहा जाता है। नेजल कैविटी की लाइनिंग में म्यूकसल सेल्स मौजूद होते हैं, जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जिससे हम जब सांस लेते हैं तो सांस नम होकर हमारे लंग्स में जाती है। इसके साथ साथ म्यूकस जर्म्स और डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप कर देता है। किसी इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से म्यूकस लाइनिंग में भी इन्फ्लेमेशन होने लगती है, और जब इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए म्यूकोसल लाइनिंग से कुछ आउट ग्रोथ निकलने लग जाती हैं, जो नेजल पॉलिप्स कहलाती हैं। जब नेजल पॉलिप्स छोटे होते हैं तो कोई सिम्टम जाहिर नहीं होते, लेकिन जब क्योंकि ये उस दौरान सांस लेने में कोई रुकावट पैदा नहीं करते, लेकिन जब इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो ये सांस लेने में रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए नेजल पॉलिप्स को ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी है। नेजल पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए या तो मेडिकेशन दी जाती हैं, इन मेडिकेशन में ज़्यादातर स्टीरॉइड शामिल होते हैं जिनके इस्तेमाल से नेजल पॉलिप्स सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मेडिकेशन देने से नेजल पॉलिप्स ट्रीट ना हो या पॉलिप्स का साइज़ काफ़ी बड़ा हो तो इन पॉलिप्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। पॉलिप्स को सर्जिकली रिमूव करने के प्रोसेस को पॉलीफेक्टोमी कहा जाता है। पॉलीफेक्टोमी के प्रोसेस में सर्जन सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देता है, फिर पेशेंट की नाक में एक लंबी सी ट्यूब को इंसर्ट करता है जिसकी नोक पर एक कैमरा और एक सर्जिकल ब्लेड लगा होता है। फिर सर्जन पॉलिप्स को देखते हुए सर्जिकल ब्लेड की मदद से पॉलिप्स को काटता चला जाता है। पॉलिप्स रिमूव होने के बाद पेशेंट दोबारा से नाक के जरिए सांस लेने के काबिल हो जाता है। जजाकल्ला।